अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश का समापन समारोह नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में संपन्न हुआ। नुमाइश का प्रदर्शन 46 दिनों तक जारी रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री महमूद अली शामिल हुए। 83वीं नुमाइश प्रदर्शनी 1 जनवरी को खुली। कुल 1500 प्रदर्शकों ने 2400 स्टालों के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री की। समापन समारोह में मंत्री महमूद अली ने 46 दिनों तक उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारियों और कई स्टालों के मालिकों को पुरस्कार प्रदान किए। गृह मंत्री ने सराहना की है कि समाज के सदस्यों ने राज्य सरकार के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन से प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। महमूद अली ने कहा है कि नुमाइश के माध्यम से 46 दिनों में एकत्रित राजस्व का उपयोग 19 शैक्षणिक संस्थानों और धर्मार्थ औषधालयों को चलाने के लिए किया जाएगा। हमारा जो एग्जीबिशन है वो आज नहीं जमाने से सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। निजाम जमाने में ये शुरू हुआ था पर हमेशा आज बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद यहाँ पर आती है। और सबसे अहम बात यह कि इस मरतबा एग्जीबिशन बहुत अच्छी तरह से चला है। 2-3 साल से 4 साल से कोरोना की वजह से एक बार फायर इंसिडेंट होने की वजह से एग्जीबिशन होल्डर्स को भी जो दुकानें वाले जो कारोबार करते हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमने भी एग्जीबिशन के जो प्रेसिडेंट है हरीश राव साहब जो हमारे डायनामिक मिनिस्टर हैं उनसे भी हम गुजारिश किए थे कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें क्योंकि सारे हिंदुस्तान से लोग आकर यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं। हर इंसान अपने कारोबार के लिए आता है। हम यही चाहते हैं कि वो अपने कारोबार से अच्छा सा नफा कमा कर वहाँ जाए। पिछली मरतबा 2 साल पहले और 2-3 साल से कोरोना की वजह से हमेशा डाउटफुल रहा एग्जीबिशन की जो 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं उसमें भी बाज़ वक़्त डेट की तब्दीली की वजह से लोगों में जो एक आने का सिलसिला रहता है वो एग्जीबिशन उमूमन जनवरी में आकर देखते हैं। और जनवरी में तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जब वो हैदराबाद आते हैं तो ज़रूर एग्जीबिशन देखकर जाते हैं, यहाँ से परचेजिंग कर जाते हैं। इसलिए एग्जीबिशन सोसाइटी के जितने जिम्मेदार हो गए सेक्रेटरी साहब हो प्रेसिडेंट साहब हो बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम करवाते हैं, उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से जो हमारे कमिश्नर साहब है सीबी आनंद साहब का भी मैं इंतजाम के सिलसिले में जो पुलिस डिपार्टमेंट है जब से तेलंगाना बना है नंबर 1 तरीके से काम करते आ रही है। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा शिक्षक एमएलसी मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बताया गया है कि हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर में मतदाताओं का पंजीकरण पूरा हो गया है। उन्होंने कहा इन 3 जिलों में 31 दिसंबर 2022 तक जहां मतदाताओं की संख्या 29,501 है वहीं 1,331 नए मतदान अधिकार आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों की जांच के बाद इस महीने की 23 तारीख को सूची की घोषणा की जाएगी और मतदान केंद्रों के प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजे जाएंगे। विकास राज ने कहा पहले खारिज किए गए 1440 आवेदनों में से 788 सही थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एमएलसी चुनाव कार्यक्रम के साथ 9 जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू होगी। उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव के लिए नोट और खर्च की कोई सीमा नहीं है। विधानसभा की बैठकों को लेकर विपक्ष बौखलाया हुआ था। अगर बीजेपी केसीआर और केटीआर पर कांग्रेस की लिखी पटकथा पढ़ने का आरोप लगाती है तो कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी और बीआरएस की मिलीभगत है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने केसीआर को कहीं भी चर्चा के लिए तैयार रहने की चुनौती दी लेकिन पूर्व पीसीसी प्रमुख पोन्नाला लक्ष्मैया ने सवाल किया है कि क्या केसीआर को यह एहसास हो गया है कि कांग्रेस का शासन इन सभी वर्षों के लिए अच्छा रहा है। एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने सीएम केसीआर का जन्मदिन मनाने के लिए भारत जागृति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट केसीआर कप 2023 का पोस्टर जारी किया है। इस महीने की 15 और 16 तारीख को महिला और पुरुष
वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में होंगी। कविता ने केसीआर का जन्मदिन मनाने के लिए दलित ईसाई संघों के तत्वावधान में आयोजित होने वाले दलित ईसाई आत्मीय सम्मेलन का पोस्टर भी जारी किया। सरकार ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत 20 नए पुलिस स्टेशन बनाए हैं। नए पुलिस स्टेशनों में जल्द ही इंस्पेक्टर और स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। 6 जोन में एक जोन के हिसाब से एक महिला पुलिस स्टेशन भी बनाया जाएगा। डोमलगुड़ा लेक पुलिस स्टेशन, खैरताबाद, वासीगुड़ा, ताड़बन, बंडलागुड़ा, आईएस सदन, टोली चौकी, गुड्डी मलकापुर, मासब टैंक, सिलीमनगर, रहमतनगर और बोराबंडा में नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। मारेडपल्ली, बोइनपल्ली, जुबली हिल्स, एसआर नगर, अंबरपेट, नलकुंटा, नारायणगुड़ा, चिलकलगुड़ा, बहादुरपुरा, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, टोली चौकी और लंगर हाउस में नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एनवीएसएस प्रभाकर ने कहा, तेलंगाना में बीआरएस खेल खत्म हो गया है, बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि यह समझा जाता है कि केसीआर का दलित नेताओं से विशेष प्रेम है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन की तारीफ करना किस बात का संकेत है? उन्होंने कहा है कि वे राज्यपालों को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता बूरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि सीएम केसीआर के भाषण में डर दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेता बीआरएस के पास मौजूद पैसों की वजह से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इस बात की आलोचना की है कि हाल तक कांग्रेस को कोसने वाले केसीआर अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी के काम से कोयले का उत्पादन बढ़ा है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वह हर किसान को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। भद्राद्री कोत्तगुड़म जिला मुनुगुरु में आयोजित रोड शो में शामिल हुए रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वह हर किसान को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। भद्राद्री कोत्तगुड़म जिला मुनुगुरु में आयोजित रोड शो में शामिल हुए रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। मेडचल के प्रसिद्ध शैव मंदिर कीसरगुट्टा में होने वाले ब्रह्मोत्सव में अभी 4 दिन बाकी है। ऐसे में देवस्थानम के अधिकारी अपनी व्यवस्थाएं तेज कर रहे हैं। देवदया विभाग और जिला प्रशासन ने इस महीने की 16 से 21 तारीख तक ब्रह्मोत्सव को भव्यता के साथ आयोजित करने पर जोर दिया है। मेडचल जिले के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था बिना किसी परेशानी के की जाती है। ब्रह्मोत्सव के लिए जिला अपर कलेक्टर अभिषेक अगस्त्य को विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मंदिर के अध्यक्ष कटकम रमेश शर्मा ने कहा है कि विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत विशेष बसों की व्यवस्था की गई है। कॉर्पोरेटर प्रेमा महेश्वर रेड्डी ने नागरिक आपूर्ति अधिकारियों से कहा है कि वे दलालों को राशन के सामान की कालाबाजारी से रोकने के लिए कदम उठाए। सहायक नागरिक आपूर्ति अधिकारी मलकपेट सर्किल के निर्देशन में सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस कार्यक्रम में गड्डियानरम कॉर्पोरेटर प्रेमा महेश्वर रेड्डी शामिल हुए। कॉर्पोरेटर प्रेमा महेश्वर रेड्डी ने नागरिक आपूर्ति अधिकारियों से कहा है कि वे दलालों को राशन के सामान की कालाबाजारी से रोकने के लिए कदम उठाए। सहायक नागरिक आपूर्ति अधिकारी मलकपेट सर्किल के निर्देशन में सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस कार्यक्रम में गड्डियानरम कॉर्पोरेटर प्रेमा महेश्वर रेड्डी शामिल हुए। युगतुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव कुमार केंद्र सरकार द्वारा 14 फरवरी को गो हक डे मनाने के अपने फैसले को पलटने को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ने गो हक डे आयोजित करने का ऐलान किया है और किसके दबाव में हुई वापसी का खुलासा करने की मांग की है। युगतुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव कुमार केंद्र सरकार द्वारा 14 फरवरी को गो हक डे मनाने के अपने फैसले को पलटने को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ने गो हक डे आयोजित करने का ऐलान किया है और किसके दबाव में हुई वापसी का खुलासा करने की मांग की है। मियापुर पुलिस ने शहर में दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गंगाधर के पास से 9 लाख रुपए कीमत के 16 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कहा, आरोपी के खिलाफ साइबराबाद और रचकुंडा कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 7 पुलिस स्टेशनों में कुल 16 मामले दर्ज हैं। उसे बुरी आदतों की लत होने और आसानी से पैसे कमाने के लिए दोपहिया वाहनों की चोरी करता था। मियापुर पुलिस ने बताया है कि आरोपी को रिमांड पर ले लिया गया है। पुलिस ने कहा, पिछले कई दिनों से बस स्टॉप, मेट्रो पार्किंग, होटल्स व अन्य पब्लिक
प्लेसस क्षेत्र में बाइक चालक चाबी के साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थिति को भांपते हुए चोर घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमने देखा है कि एक व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर बाइक लेकर आया और चाबी के साथ वहीं छोड़कर चला गया। यह देख हमने उसे पूछा तो उसने कहा, यही तो जा रहा हूँ, जल्द ही वापस लौटूंगा। ऐसी स्थिति में अगर हम उसे बुलाते हैं तो आने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है और इस दौरान बाइक चोरी होने की संभावना होती है। इस तरह की लापरवाही भी बाइक चोरी को रास्ता आसान बनाती है। उन्होंने कहा, इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इस मामले में आरोपी ओएलएक्स वाहन की चोरियों में भी शामिल है। ओएलएक्स से वाहन खरीदने वाले भी वाहन से जुड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पूछते हैं और उसे खरीद लेते हैं। इससे भी कानूनी समस्याएं उभरती है। मादापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया गया है। मुंबई की लड़कियों से देह व्यापार कराने वाले गिरोह को पुलिस ने मादापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि स्पा की आड़ में देह व्यापार कराने की सूचना मिलने के बाद जांच की गई। पुलिस ने मादापुर में S9 स्पा एंड सैलून पर छापा मारा। मुंबई की तीन युवतियों और वैश्यावृत्ति का धंधा चलाने वाले देव कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने तीन युवतियों को बचाया और दो आयोजकों को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया। ग्रेटर हैदराबाद में मतदाताओं के न आने से हड़कंप मच गया है। मतदाताओं की सूची में उपस्थित लोगों की संख्या में अधिक होना चिंताजनक है, लेकिन लोगों का कहना है कि गलती अधिकारियों की ही है और ये गणनाएं। ग्रेटर हैदराबाद की वोटर लिस्ट में बोकस वोट जोड़े गए हैं। मृतकों और गैर निवासियों को हजारों की संख्या में सूची में जोड़ा गया। फर्जी मकान नंबर समुदाय के आधे से अधिक निवासी मतदाता सूची में शामिल नहीं है। उन क्षेत्रों में कोई मतदाता सर्वेक्षण नहीं किया गया था। हैदराबाद शहर में वर्षों से स्थानीय होने के बावजूद लोग शोर मचा रहे हैं कि वे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है। यह दुर्दशा सबसे अधिक मतदाताओं वाले शेरलिंगम पल्ली निर्वाचन क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है। आलोचनाओं की बौछार हो रही है कि 2023 का विशेष मतदाता संशोधन कार्यक्रम गलतियों का पुलिंदा बन गया है। यदि हम हाल ही में राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित अंतिम मतदाता सूची को देखें तो शेरलिंगम पल्ली निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6,44,072 मतदाताओं के साथ संख्यात्मक रूप से आगे है। दो में हुए आम चुनाव के दौरान क्षेत्र के कुल मतदाता 5,75,542 थे। उसके बाद कई बार मतदाता सूची में संशोधन किया गया और आपात्रों को हटा दिया गया है। हालांकि 5 जनवरी 2023 को घोषित मतदाता सूची में लगभग 1,00,000 अतिरिक्त लोगों को जोड़ा गया है। हाल ही में बीजेपी नेताओं ने जीएचएमसी सर्किल ऑफिस में शिकायत की है। शहर भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची की प्रारंभिक जांच की जा चुकी है। मतदाता संशोधन कार्यक्रम में कई खामियां सामने आई है। ऐसा लगता है कि संख्या इस तथ्य के कारण बढ़ी है कि मृतक मतदान बने रहे हैं। विशेष रूप से शेरलिंगम पल्ली में और कुतबुल्लापुर कोल्लूर चेवेल्ला और अन्य क्षेत्रों के लोग सूची में शामिल हो गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र के शांशी गुड़ा की ए ताराबाई का 29 अगस्त 2020 को निधन हो गया और उसका नाम 468वें मतदान केंद्र में मतदाता कार्ड संख्या FZZ388-6231 के साथ जारी है। हाफिज पेट के राजूपा लेपू साई प्रसाद राव का निधन 1 नवंबर 2020 को हुआ है और उनका नाम वोटर कार्ड नंबर SWD225962 के साथ सूची में है। 97वें मतदान केंद्र के मतदाताओं में 30 मृत है, 7 अनुपस्थित मतदाता है, 61 फर्जी पते वाले मतदाता है और 68 गैर स्थानीय है। विभिन्न दलों के नेताओं का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र में 1,00,000 से अधिक फर्जी वोटरों की गिनती की गई है। सिकंदराबाद और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर भी विशेष मतदाता संशोधन किया गया। मुशीराबाद खैरताबाद मलकाजगिरी सिकंदराबाद उप्पल और एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नामों को उलट दिया गया है। मतदान केंद्रों की सीमाएं अस्त व्यस्त हो गई है। यदि मतदाताओं की संख्या 800 से अधिक है तो एक स्थानीय मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। हालांकि अपार्टमेंट और गेटेड समुदायों में हजारों मतदाता हैं, लेकिन वे सभी दूर दराज के इलाकों में केंद्रों से जुड़े हुए हैं और उनमें से लगभग आधे के पास मतदाता कार्ड नहीं है।
यह जानकर कि रामचरण हैदराबाद में अपने प्रशंसकों के साथ बैठक कर रहे हैं, सुदूर क्षेत्र से एक लड़का प्रिया अभिनेता से मिलने आया। नायक रामचरण को देखकर प्रशंसक भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। रामचरण ने लड़के का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और विवरण के बारे में पूछताछ की। लड़के ने अपने कर्मचारियों को अपने मूल स्थान पर लौटने के लिए सभी उपाय करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़के के साथ फोटो भी खिंचवाई। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।